हाँ, मैं उस टाइम से मैंडलिन भी सीख रहा था, तो जैसे वो आवारा फिल्म लगी थी तो मैं अच्छा मैंडोलिन बजाने लगा था। तो वो टाइम पे अमेरिकन इन पेरिस वो पिक्चर लगी थी मेट्रो में, तो पिक्चर को प्रमोट करने के लिए, पिक्चर को एडवर्टाइजमेंट देने के लिए वो मेट्रो थिएटर में एक म्यूज़िक का कंपटीशन हुआ, तो जीन कैली म्यूज़िक कंपटीशन, तो एमेच्योर म्यूजिशियंस। तो मेरे फादर ने इंग्लिश पेपर में पढ़ा तो बोले कि ये कंपटीशन है, तो उनको अचानक ख्याल आया कि किशोर मैंडोलिन तो अच्छा बजाता है, चलो उसको लेके चले जस्ट फॉर ए फन। तो मुझे तो फिल्मों का ही म्यूजिक अच्छा लगता था, हालांकि मैं क्लासिकल में बहुत डीप अभ्यास किया है मैंने, फिर भी मुझे फिल्मों का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था। न जाने क्यों, जब से वो दीदी का, लता मंगेशकर का गाना सुना था आएगा आने वाला, तब से मैं वो वॉइस के पीछे पागल हो गया था। तो मुझे फिल्मों में बस फिल्मों का ही म्यूजिक अच्छा लगता था, चाहे मैं कितना भी अच्छा क्लासिकल प्लेयर था, लेकिन मेरी दिली चाह इसकी थी, फिल्म म्यूजिक की। तो बोले कि ये कंपटीशन है, मैंने कहा चलो मैं चलूँगा। हमारी स्कूल का वो चल रहा था वेकेशन, तो आई वॉज फ्री, तो मैं चले गया और मैंने गाना बजाया आवारा हूँ, पूरा गाना बजाया और ताली पे ताली, ताली पे ताली, और ऑडियंस खुश हो गई, और जज साहब जो 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 थे सब खुश हो गए, मुझे फर्स्ट प्राइज दे दिया। हालांकि अच्छे 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 माउथ ऑर्गन प्लेयर थे, एकॉर्डियन प्लेयर थे, क्या क्या थे, वायलिन प्लेयर थे, लेकिन प्राइज मुझे मिला। तो सब जगह बम्बई में हवा हो गई, तो ये बात शंकर जी के कान तक गई, तो शंकर जी को लेके कल्याण जी भाई मेरे घर में आए चौपाटी में, कि भाई शंकर जी ने तुम्हारी तारीफ सुनी है कि तुम अच्छा मैंडोलिन बजाते हो, जरा सुनाओ इनको। तो मैंने आवारा हूँ भी सुनाया और घर आया मेरा परदेसी भी सुनाया, शंकर जी तो बस खुश हो गए, भाई तुम क्या बेटे, तुम तो बहुत कमाल के बजाते हो यार, तुम अभी मेरे साथ में काम करने का शुरू कर दो। तो मेरे फादर ने परमिशन दी कि शंकर जी जैसे कलाकार के पास में काम करेगा तो ये कुछ सीखेगा,